महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के भाई जगताप ने कहा है कि मेरे जीतने से ज्यादा दुख चंद्रकांत हंडोरे के हारने का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है। मैं दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा और गद्दारी करने वाले लोगों की शिकायत करूंगा। उधर चुनाव के नतीजों से नाखुश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को विधायकों की अर्जेंट बैठक बुलाई है। चुनाव के नतीजों में शिवसेना के उम्मीदवारों ने मामूली अंतर से जीत हासिल की। शिवसेना के पास 55 विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, जबकि चुनाव में शिवसेना को केवल 52 वोट मिले। इसी से नाराज उद्धव ठाकरे ने अपने बंगले पर विधायकों की अर्जेंट बैठक बुलाई। उधर बीजेपी के विजयी उम्मीदवार प्रवीण दारेकर ने कहा कि चुनाव के नतीजों से हम बेहद खुश हैं। महाराष्ट्र ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया। शिवसेना और कांग्रेस के सदस्यों के बीच 100% क्रॉस वोटिंग हुई, जिससे हमें इतने वोट मिले। आपको बता दें कि सोमवार देर रात महाराष्ट्र की 10 सीटों पर विधान परिषद चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ। इसमें बीजेपी के 5 कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की, जबकि एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवारों के सिर पर जीत का सहरा बंधा। वहीं एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। शिवसेना से सचिन अहिर और अमाशा पाडवी ने जीत हासिल की। एनसीपी के एकनाथ खडसे और राम राजे निम्बालकर चुनाव जीते। बीजेपी के प्रवीण दरेकर, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय, उमा खपरे और राम शिंदे ने विधान परिषद का चुनाव जीता। विधान परिषद चुनाव के लिए शिवसेना, कांग्रेस, रांकपा ने 2-2 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी की ओर से 5 उम्मीदवार थे। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी नेता प्रसाद लाड को कांग्रेस नेता भाई जगताप से हार का सामना करना पड़ा। विधान परिषद चुनाव के लिए शिवसेना, कांग्रेस और रांकपा ने 2-2 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा था। बीजेपी की ओर से 5 उम्मीदवार थे। बीजेपी अपनी जीत से बेहद खुश है, लेकिन कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है। सोनिया गांधी से मुलाकात करके और गद्दारों की शिकायत करने की बात भी भाई जगताप, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।